उनकी तरफ से भी उनका पक्ष भी सुना गया सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अब पुलिस स्टेशन नगरोटा के अंदर आमिर माजिद के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में, और ये मामला है सिदड़ा में कैफे के अंदर मारपीट का मामला। मैं आपको बता दूं, आमिर माजिद पहले स्टंटबाजियों से जो है बड़े अपने आप को उन्होंने फेमस किया, जो कि गलत बात है। बाद में इन्होंने अपनी मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर दी, पहले लोगों को इसी व्यक्ति ने जो है चस्का डाला स्टंटबाजियां करने का, फिर जब बाकी लोग स्टंटबाजियां करने शुरू हो गए तो इन्होंने अपना आपको पूरा यू टर्न लेकर मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर दी। चलो अच्छी बात है, थोड़ी देर बाद सुधर गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मारपीट की कैफे के अंदर और कानून अपने हाथ में लिया, वो बिल्कुल गलत बात है। और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है आमिर माजिद के खिलाफ, और ये एफआईआर दर्ज हुई है 307 सेक्शन, 323, 324, 325, 326, 506 और 34 जो सेक्शंस रहती हैं वो सारी की सारी इन पे लगी हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो दूध का दूध पानी का पानी है वो साफ होना चाहिए, और जो भी इस पूरी मारपीट में कल्प्रित है, चाहे वो सोशल मीडिया पर पता नहीं कितने फॉलोअर लेकर बैठा है या जितना मर्जी उसकी फॉलोइंग हो, लेकिन अगर उसने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारी कोर्ट का, हमारी ऑनरेबल कोर्ट का, जिन्होंने इस चीज को समझा और एफआईआर कोर्ट के माध्यम से इसके ऊपर लगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा मामला है कुछ ही दिनों पहले का है, और हमने तब भी न्यूज़ दिखाई थी जब आमिर माजिद द्वारा वहाँ पर मारपीट की जा रही थी। और सुनने में ये भी आया है कि उस कैफे में और जो वहाँ पर आई विटनेस थे, सबसे पहले मारपीट जो है शुरू ही इसी ने की थी। मुझे लगता है कि इस चीज़ से अब थोड़ा सा आमिर माजिद को भी सबक मिलेगा कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों की आंचल, फलक तक चल।